नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, लीवर, मोटापे, मधुमेह और हृदय रोगियों के लिए वरदान है बैंगन। इसके अद्भुत गुणों को जान दंग रह जाएंगे आप। आइए जानते हैं इसके बारे में। आम धारणा के अनुसार ये एक पौष्टिक सब्जी नहीं है, लेकिन ये बात सही है। बैंगन का सेवन शरीर को जरूर पोषण तत्व प्रदान करता है। बैंगन टमाटर कुल का पौधा है। इसका लैटिन में नाम सोलेनम मोनिलोजीना है। इसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। बैंगन भारत का मूल निवासी है और इसे बहुत पुराने समय से भोजन की तरह प्रयोग किया जाता है। बैंगन के पौधे से प्राप्त फल को हम सब्जी की तरह खाते हैं। बैंगन एक सब्जी नहीं बल्कि फल है। बैंगन के कई प्रजाति हैं, जैसे गोल, लंबे, हरे, बैंगनी, सफ़ेद, छोटे बड़े आदि। इसे भारत में भूनकर भरते की तरह और रेशेदार सब्जी की तरह बनाकर खाया जाता है। तो आइए जानते हैं बैंगन खाने के चमत्कारी फायदे। आम धारणा के अनुसार ये एक पौष्टिक सब्जी नहीं है, लेकिन ये बात सही है। बैंगन का सेवन शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। इसमें लोहा होता है जो अनीमिया को दूर करता है। ये लीवर, यकृत के लिए फायदेमंद है। मधुमेह, मोटापे और हृदय रोगियों के लिए वरदान है। इसके सेवन से कोलेस्ट्रॉल सही रहता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में रहता है। इसमें फाइबर ज़्यादा और कैलोरी कम होती है, इसलिए ये वजन को कम करने में मदद करता है। बैंगन को खाने के बहुत सारे लाभ हैं, तो आइए जानते हैं उनमें से कुछ लाभों के बारे में। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन तथा अन्य बहुत से ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसका सेवन ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है और दिमाग को पोषण देता है। इसमें फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करने में सहायक है। फाइबर पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें कैलोरीज बहुत ही कम होती है, फैट नहीं होता और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, इसलिए ये वजन को कंट्रोल करने में सहायक है। ये मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। इसमें ग्लूकोज और लिक्विड का लेवल बहुत ही कम होता है। ये एसडल एलडीएल के रेशे को बढ़ाता है। ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। ये बढ़े हुए बीपी और हृदय रोगों को कंट्रोल करता है। खासकर बैंगन के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट निसुलिन पाया जाता है, जो कि शरीर के सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। निसुलिन ब्रेन सेल्स के फैट लिपिड लेयर की रक्षा करता है। इसमें जिंक होता है, जो कि प्रजनन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बैंगन के प्रयोग में कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं, जिनका आपको पालन करना चाहिए। बैंगन क्योंकि गैस बनाता है, इसलिए जिन्हें बहुत गैस बनने की समस्या हो, वो इसका सावधानी से उपयोग करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।